रिमोट एक फ्री डिश का रिमोट है ये है, और एक ये भी रिमोट है लेकिन ये थोड़ा ख़राब है ज़्यादा। आइए इसमें भी प्रॉब्लम है, देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें कहीं कहीं एलईडी जल रहा है, अगर इसको हम लोग हटा के चिमटा से यहाँ पे हम लोग इसको दबाते हैं तो ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए रिमोट टेस्टर लगा हुआ है इसमें, इसमें ये नहीं कर रहा है काम। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है इसमें, इसका मतलब ये है कि ये कुछ इसमें प्रॉब्लम है। छूने से कहीं कहीं होता है कभी कभी काम, तो हो सकता है कि ये ड्राई सोल्डिंग हो गया हो। इसलिए इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको बनाने के लिए फेंकिए मत इसको, डीटीएच का या फिर कोई भी चीज़ का रिमोट है तो फेंकिए मत। हो सकता है कि आपका ये एलईडी कभी कभी लूज हो जाता है, कभी कभी इधर से लूज हो जाता है क्योंकि ये स्प्रिंग लगा हुआ है इसमें तो हिल जाता है, तो उस कारण से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा, हम लोगों को इसका बैटरी रिमूव कर लेना चाहिए, और बैटरी रिमूव करने के बाद उसका हम लोग निकाल लेते हैं किट। देखिए किट छोटा ही रहता है, रिमोट को बड़ा कर देता है, किसी का साइज क्वालिटी अच्छा कर देता है ऊपर से, लेकिन रहता है सब अंदर से लगभग किट सेम ही है। देखिए किट थोड़ा अच्छा है, बैंड होगा टूटने वाला जैसा दिख रहा है, हल्का पतला मतलब सस्ता ही रहता है, लेकिन इसमें आईसी लगा दिया थोड़ा अच्छा होगा। तो इसको देखिए ड्राई सोल्डिंग रहता है तो वो कारण से भी प्रॉब्लम करता है, इसीलिए हम लोग क्या करना होगा, देखिए यहाँ से ऐसे निकला हुआ है तो ये हिलता होगा, लेकिन हिलने लायक दिख नहीं रहा, फिर भी हो सकता है कि ऐसा हो, इसीलिए हम लोग इसको एक बार ड्राई शोल्डर हो सकता है उसको हम लोग लगा कर देखते हैं, नहीं होगा तो फिर देखिए ये भी रिमोट सेम उस तरह का, अगर आईसी मैच करेगा तो इसका खोल के इसमें लगा देंगे, क्योंकि इसका क्रैक किया हुआ बीच से ट्रैक वो चीज़ है, तो इसका लगा देंगे इसमें तो वो भी काम करेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा फ्लस्क लगाते हैं पेस्ट इसमें, और ये दोनों साइड लगा देते हैं, और साथ ही साथ इधर भी लगा देते हैं, और आईसी में इधर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या होता है, क्या कभी कभी ड्राई हो जाता है सोल्डिंग, दिखता नहीं है लेकिन होता है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सोल्डिंग आयरन लेते हैं और थोड़ा इसको हीट कर देंगे। देखिए इसमें ये हम लोग लगा दिए हैं, और इस साइड में भी सोल्डिंग कर देते हैं। ड्राई सोल्डिंग होता है तो उससे दिक्कत होता है, लगा दिए हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इधर थोड़ा सा और रंगा लेते हैं, और रंगा लेके इधर इधर भी लगाते जाएंगे, इधर करते जाएंगे। ठीक है, इस साइड में भी इस तरह से करना है, अगर खींचेंगे पीछे तो क्या होगा, ज़्यादा सोल्डिंग लगा हुआ रहता है अगर रंगा तो वापस पीछे आ जाता है ठीक से। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि लगा के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर इसका ये चीज़ चेंज करेंगे। देखिए इसको हम लोग लगाते हैं, और ये लगा के फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए काम कर रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है ब्लू कलर का लाइट जल रहा है, मतलब इसका मतलब है कि ठीक हो गया। अब हम लोग इसको लगा के टीवी पे चेक कर लेंगे काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सही हो गया। ठीक है, इसको हम लोग रिमोट लगा के फिर चेक कर लेंगे इसको, फिर हम लोग जिस तरह से खोले थे, खोलना मैंने नहीं सिखाया क्योंकि साइड से ही आप ऐसे ओपन करेंगे खुल जाएगा, लेट हो गया था हम लोग रिकॉर्डिंग करने में। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा, टेप चिपका देंगे क्योंकि पानी चला जाएगा तो फिर ख़राब हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे फिक्स कर देते हैं, और इसका जो रिमोट है का ढक्कन है वो लगा देते हैं यहाँ पे, और लगाने के बाद यहाँ देखिए, ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस तरह का कोई भी रिमोट आपको दिखे इसको फेंकिए मत, इसको आप लोग बना सकते हैं।